अरमान, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती। मुझे यहां से जाना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पापा से वादा किया है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठा है? टीचर नहीं आई यार। वो एक्चुअली ना मुझे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अरे पर ऐसे कैसे यार, उसे मेरी खुशी में शामिल नहीं होना क्या? उसे कम से कम आना तो चाहिए था। तू मुझे एक बात बता, हमारा प्यार पहले भी ऐसे ही था? हम दोनों एक दूसरे की खुशी में शामिल नहीं होते थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अरमान को समझना पड़ेगा, बहुत हो गया रिद्धि, मैं जाके उसे सब कुछ बता दी। नहीं दी, रिद्धि और कोई तरीका नहीं है। अरमान को ये जानना चाहिए कि तू उसकी मदद कर रही थी, इसलिए तुझे दूर भेजा जा रहा है संजीवनी से। I'll go tell दी, दी आपने मुझसे वादा किया था ना। रिद्धि तू ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि अरमान मुझे चाहने लगा है। अरमान की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, ये शायद उसे पता ना, लेकिन मेरा दिल जानता है, मुझे पता है दी, अरमान मुझे जाने लगा है। रिद्धि ये सच नहीं है, ये वो अरमान नहीं है, ये तुझसे प्यार नहीं करता। वो तुझसे बहुत प्यार करती है यार। आज वो यहाँ पे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। उसे शायद उसकी शायद कोई और प्रॉब्लम रही हो। शायद तो ठीक कह रहा है यार। वो आना तो जरूर चाहती होगी, है ना? मेरे लिए इतना फील करती है तुम। और तू? तू क्या फील करता है उसके बारे में? उसके यहाँ ना आने से तुझे बुरा लगता है, उसका इंतजार करते रहता है, क्यों? क्योंकि क्योंकि शायद मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगा। ये जो तू महसूस कर रहा है ना, यही प्यार है। ये जाकर उसे बता, शायद तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। नहीं दी, मुझे हमारे बीच सब कुछ खत्म करना होगा। रिद्धि दी, मैंने फैसला कर लिया है, जिस प्यार को अरमान भूल चुका है, उस प्यार को उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके लिए मुझे हमारे बीच सब कुछ खत्म करना होगा। हमारे बीच जो भी है आज मैं बता करके रहूंगा। उमर भाई, आपने कहीं डॉक्टर रिद्धि को देखा? अरे वो कहाँ आ रही है, वो दिखे? तुमसे बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है।
शाम को मिले टेरेस पे 7 बजे डॉक्टर निकिता कहाँ है? पता नहीं सर, अभी तो यही थी। ये निकिता कहाँ है? पिकअप द फोन निकिता। ये निकिता अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ होगी? फैसला लेने से पहले एक बात याद रखना, तुम जो भी फैसला लोगे वो हमारे रिश्ते के लिए भी एक फैसला होगा। सिद्धमा मैं तुमसे सच के 15 मिनट हो गए, क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। रिद्धमा मैं तुमसे और किसी पेशेंट के साथ फंस गई होगी, वो आएगी, जरूर आएगी। नर्स डॉक्टर निकिता की ड्यूटी कहाँ है? सर वो अभी अभी चिल्ड्रंस हॉल में थी लेकिन अभी घर जा चुकी। घर जा चुकी है? मैं नहीं जानता मेरी याददाश्त जाने से पहले हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन आज मैं हमारे बीच जो कुछ था सब जानना चाहता हूं।
और अच्छा ये कि तुम्हें हमारा रिश्ता याद नहीं। मतलब मैं समझा नहीं, इसलिए तो तुम हम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद कर। हम दोनों ने एक दूसरे को तंग करने के अलावा किया ही क्या है अरमान? हमें गलत फहमी थी कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरमान सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अरमान अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी याददाश्त खो गई। अरमान तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती थी, और प्यार नहीं वो एक आदत थी, ऐसी आदत जिसने मुझे सिर्फ दुख दिया है। तुमने कहा था क्या हमारी शादी होने वाली थी? हाँ, शादी। अच्छा ही हुआ ना अरमान, अच्छा ही हुआ ना कि हमारी शादी नहीं हुई, वरना हम दोनों भी खुश नहीं रह पाते, है ना? अरमान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं और झूठ नहीं बोल सकती अरमान, नहीं बोल सकती। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने आप को और दुखी नहीं कर सकती, नहीं हो सकती मैं और दुखी। और वैसे भी जानती हो अरमान, ऐसी बहुत सी बातें हुई है जो सिर्फ तुम्हें और मुझे याद है। तुम तो वो भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है। कैसी बात है रिद्धिमा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? किया था अरमान, हम कभी एक साथ चले थे, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, हमारी मंजिलें अलग हो गई है। अरमान, यकीन मानो तुम भी यही चाहते थे। मुझ में और हिम्मत नहीं है अरमान, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूं। बोझ और नहीं सह सकती। निकी, तुम ठीक तो हो ना? बहुत बीमार हो। बहुत बीमार हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो निकी?
अंदर चलो, आराम करो। मैं इतना परेशान हो गया था, मुझे लगा कुछ हो गया, मेरी तो जान निकल गई थी। ओ, तो तुम्हारी जान मेरी जान से जुड़ी हुई है। तुम बीमार नहीं हो। वेरी गुड डॉक्टर साहब, लेकिन थोड़ी बीमारी है। ओह रियली? तो बताइए क्या सिम्टम्स हैं? रातों को नींद नहीं आती, अच्छे अच्छे सपने आते हैं। इंटरेस्टिंग। वेल डॉक्टर निकिता, मुझे लगता है कि आपको प्यार हो गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब पास आएंगे तो दवा भी बता दूंगा। निकी, मैंने अपनी बीवी से अभी मैं जिया की चिट्ठी पढ़ चुकी हूं। तुम ये डिवोर्स मेरे लिए ले रहे हो ना? डॉक्टर निकिता, आई लव यू डॉक्टर अभिमन्यु मोदी। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहां दिल मिल गए। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहां जाने कहां दिल मिल गए।